वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। सो गाइस यहाँ पर आके ईद का मज़ा दोबाला हो गया, आपको भी यहाँ पर आना चाहिए। क्या ज़बरदस्त सीन है, अभी दिखाता हूँ आपको। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ खान और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फाइनली ये रमज़ान ख़त्म हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा वो रमज़ान ख़त्म हो गया और आज ईद का दिन है। एक काम करते हैं, ख़ुद को ज़रा यकीन दिलाते हैं कि भाई रमज़ान ख़त्म हो गया। इस वक्त जो टाइम है वो है तकरीबन 5:40-45 और इस वक्त मैं मौजूद अपनी फूफो के घर। मुझे जाना है मेरे पुराने घर, उधर से हम फिर जाएंगे ईद की नमाज के लिए। तो उठाते हैं अपने छोटे भाई को और निकलते हैं फिर घर की तरफ। चलिए अदनान, अदनान ईद की नमाज खड़ी होगी, उठ, ईद की नमाज खड़ी हो गया, और जल्दी 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 उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। इस वक्त बाइक हम निकालने लगे हैं और यहाँ से चूड़ चौक से जो है हमने जाना है बर्फ़ाना चौक। तो चूड़ चौक से बर्फ़ाना चौक तक का जो सफ़र है वो है तकरीबन 15-20 मिनट का। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 10 मिनट में डन कर दें, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे उधर ईद की नमाज़ पे। सो गाइस ईद की नमाज़ के लिए रेडी हो गए हैं और मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। चूर चौक से यहाँ आने का मेन मकसद वो यही था क्योंकि अभी हम वहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो वहाँ पे ना हम किसी को जानते हैं ना मतलब मस्जिद का कुछ ख़ास पता है, ठीक है, कि किस जगह थोड़ी दूर है वो। तो हमने कहा कि क्यों ना ईद की नमाज़ यहीं पर पढ़ी जाए, क्योंकि यहाँ पर दोस्त भी हैं और घर वाले सारे इधर हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम आ गए और यहाँ अब जाएँगे ईद की नमाज़ पढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। मैं ईद की नमाज़ जो है वो पढ़ आया था। मैं घर जब आया तो मैं दोस्तों से मिला, मैं अपनी फैमिली से मिला और मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि जो मेरे करीबी दोस्त हैं वो तो हैं ही नहीं, ठीक है, वो आगे पीछे गए हुए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि अब मेरे पास है नहीं कुछ करने को, मैं घर में अकेला हूँ। और अब जो वीडियो है वो यहीं पर हम एंड करेंगे, मैं जाके सोने लगा हूँ और सोते वक्त तो मैं वीडियो नहीं ना बना सकता, ठीक है। तो बस आपको ईद मुबारक कहनी थी आज की वीडियो यहीं पर, लेकिन कल जो ईद का सेकंड डे है वो हम इंशाल्लाह कहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये आपको कल की वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। तो एक और छोटी सी अनाउंसमेंट ये करनी थी कि मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँ, ठीक है, कुछ जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और कामयाबी देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है। तो बाकी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। ईद मुबारक वंस अगेन, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।